गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दि ऑनलाइन क्लास ऑफ पीसी टू। आज आम पुणी डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट स्पीच बाबद आलोचना करिबा। गत क्लास गुड़ी करे आमे डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट स्पीच कौन एवं गोटे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच रे परिणत करिबा लगे कौन कौन सब फॉर्मूला दरकार से विषय आम आलोचना करिथिले। एवं आउ गोटे क्लास रे आमर जो विभिन्न प्रकार वाक्य अच्छी से ही वाक्य को लेकिन आम कि इनडायरेक्ट स्पीच रे परिणत करिबा से विषय मध्य आलोचना करिथिले। हाँ कि नहीं, आम से वाक्य मध्य इंपरेटिव सेंटेंस को लेकिन कि डायरेक्ट स्पीच रु इनडायरेक्ट स्पीच गठन करिबा से विषय आलोचना करिथिले। आज आम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकिन आलोचना करिबा। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ताले पिला माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने कौन? प्रश्न सूचक वाक्य। हाँ कि नहीं, द सेंटेंस व्हिच आर यूज टू आक्स क्वेश्चन वी कॉल इट एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस और नो? यस। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट? यस और नो टाइप एंड डब्ल्यू एस वर्ड फैमिली। यस और नो? यस। आमर दुई प्रकार प्रश्न सूचक वाक्य अच्छी, गोटे है हाँ कि नहीं, अंटी है कौन कौन कहीं क्योंठारे इत्यादि। ताहले आज आम प्रथम डब्ल्यू एच वर्ड को लेकिन किभली डायरेक्ट स्पीच रु इनडायरेक्ट स्पीच गठन करिबा से विषय आलोचना करिबा। ओके, अच्छा, फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग विथ माय फ्रेंड्स। ओके, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग विथ माय फ्रेंड्स। या गोटे मोर इंट्रोगेटिव डायरेक्ट स्पीच, आकु आमे एबे इनडायरेक्ट स्पीच रे परिणत करिबा। किंतु परिणत करिबा पूर्वरु पूर्व क्लास गुड़िक कहला आमको केतोटी जिनस आइडेंटिफाई करिबा को पड़िबो। से गुड़िक हला सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, कैटेगरी ऑफ पर्सन एंड टेंस फॉर्म। यस और नो? यस। ओके, सो इन दिस सेंटेंस ही इज द सब्जेक्ट, मी इज द ऑब्जेक्ट, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, यू इज द सेकेंड पर्सन एंड माई इज द फर्स्ट पर्सन एंड द सेंटेंस व्हिच आर इनक्लोज्ड इन इनवर्टेड कॉमा इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके, वी आइडेंटिफाइड। यस और नो? यस। सो द इनडायरेक्ट स्पीच विल बी, वी राइट फर्स्ट ही, देन सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब इज replaced with the use of asked or questioned. Okay, then we write object me. Okay, then our comma and inverted comma is replaced with the use of what? That? No, with the use of what? Because our sentence is begin with what and it is a interrogative sentence. Okay, so what we write? We write what. Then what? Jete bele ame डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच रे परिणत करिबा सेते बेले आमर इंट्रोगेटिव सेंटेंस टा अफर्मेटिव सेंटेंस रे परिणत होई जिवो। बुझिल? ताहले आमर जो कमा सेंटेंस अछि कोनो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अछि व्हाट आर यू डूइंग, एथिरे आमर वर्ब प्रथमे अछि आउ सब्जेक्ट भर परे अछि। किंतु जेते बेले एही सेंटेंस को आमे एफर्मेटिव सेंटेंस रे परिणत करिबा सेते बेले आमर सब्जेक्ट प्रथमे आसीबो तापरे भर आसीबो। किंतु एही जगह रे तो आमे यू बोली लिखि परिबा नाही, लिखि परिबा कि लिखि परिबा नाही, जेहेतु आमर एही सेंटेंस रे यू होउछि आमर सेकंड पर्सन
ये सर नो ताले आमर फॉर्मूला कौन कहे जदि आमर रिपोर्टिंग स्पीच रे यू प्रोनाउन थिबो ताहाले सेटा आमर ऑब्जेक्ट अनुसार तार परिवर्तन होबो ताहाले एही जगह रे कौन रहिबो कौन व्हाट परे रहिबो आई जेहेतु आमर वर्बटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म रे अछि ताहाले आमर हिजबो पास्ट कंटिन्यूअस व्हाट आई वाज डूइंग विथ माई माई पुणी माई प्रोनाउन सेटा पुणी अकॉर्डिंग टू द व्हाट सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच अनुसार परिवर्तन होबो ताहले कोन होबो व्हाट आई वाज डूइंग विथ हिज फ्रेंड्स सो द इनडायरेक्ट स्पीच विल बी ही आस्क्ड और क्वेश्चन मी व्हाट आई वाज डूइंग विथ हिज फ्रेंड्स अंडरस्टैंड और नॉट आमर आमे लिखिला सब्जेक्ट ही तापर सेट टू परिवर्तन लिखिला आस्क्ड और क्वेश्चेंड तापर आमे लिखिला कौन आमर ऑब्जेक्ट तापर आमर कमा इनवर्टेड कमा रिप्लेस हो गला विद द यूज ऑफ व्हाट कहीं ना जेहेतु आमर सेंटे यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एवं यह व्हाट रु आरंभ होई हला तापर आमे आमर बाकी तक सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस रे परिणत करिदेला परिणत करला परे आमर सब्जेक्टा प्रथमे आसिला किंतु से सब्जेक्ट रे यू आमे लिखि परिबा नाही जेहेतु आमर यू एही सेंटेंस रे आमर सेकंड पर्सन एवं आम फॉर्मूला अनुसार जदि आम रिपोर्टिंग स्पीच रे यू प्रोनाउन अछि ताहाले ताहा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हिसाब रे तार परिवर्तन होइथाय तेणु सिठी आमे लिखिला आई तापरे जेहेतु आमर बी वर्बटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस रे अछि सेटा आमर पास्ट कंटिन्यूअस हे गला व्हाट आई वाज डूइंग विथ देन माय विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच देन हिज फ्रेंड सो द इनडायरेक्ट स्पीच विल बी ही आस्क्ड और क्वेश्चन्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग विथ हिज फ्रेंड्स ओके सो लेट्स गो अनदर एग्जाम्पल संजय सेड टू मी वेयर डू यू लिव ओके Likewise, once again we identify Sanjay is the subject, Setu is the reporting verb, me is the object, okay, you is the second person, okay. And this sentence is in simple present tense form. So, what will be the indirect speech? The indirect speech will be Sanjay asked or questioned where I lived, okay. Then he said to me, "How much money do you have?" Okay, so what will be the indirect speech? He asked or questioned. Okay, he asked or questioned me, "How much money I did have?" Okay, then she asked, "When are they supposed to come?" अच्छा देखो पिला मैंने एथरे रिपोर्टिंग भर पूर्वरु आक्स्ट अच्छी ताहले आमे इनडायरेक्ट स्पीच कला बेले भी सही आक्स्ट लेखिबा ताहले कौन हम सी आक्स्ट और क्वेश्चन व्हेन दे वेयर सपोज टू कम ये पुणी कह डायरेक्ट स्पीच रे तो दे अच्छी आउ इनडायरेक्ट स्पीच रे कहीं दे रहा कारण आमर दे होची आमर थर्ड पर्सन प्लुराल फॉर्म तेणु जदि आम डायरेक्ट स्पीच रे थर्ड पर्सन रो प्लुराल फॉर्म अच्छा ताहले से कौन परिवर्तन हुए ना तुम मान पूर्व फॉर्मूला दिखाई से चार्ट को देखिबो एवं से चार्ट अनुसार कौन आम डायरेक्ट स्पीच रो इनडायरेक्ट स्पीच गठन करिबा ताहले एटा रहिला आमर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पुणी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो डब्ल्यूएस वर्ड फैमिली को नहीं कि आमे किभलि डायरेक्ट स्पीच रो इनडायरेक्ट स्पीच गठन करिबा आई होप तुम्हें माने समस्ते बुझिथिबो जदि कहार डाउट रहिगला ताहले यू कैन कॉल मी ओके थैंक यू गुड इवनिंग स्टूडेंट्स